सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन 01 में। और आज हम बनाना सीखेंगे छेना की बर्फी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए होममेड पनीर यानी कि छेना 100 ग्राम्स, शुगर 50 ग्राम्स। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम भी ले सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए इलायची पाउडर एंड चॉप्ड पिस्ता। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, और इसमें ये छेना डाल के इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे हाथ से। हमने इस तरह से प्रेस करके इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे 32-35 ग्राम्स। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 50 ग्राम्स भी डाल सकते हैं। एक बार फिर इसे इस तरह से अच्छे से मैश करना है। अब हमने इसमें चीनी मिला ली है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा कुक करेंगे। लो फ्लेम पे कर रहे हैं और इसमें अब चीनी भी अच्छे से मिल चुकी है। हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, इसका मॉइस्चर पूरी तरह से नहीं सुखाना है। हमारा कुक हो चुका है, हम गैस ऑफ कर देते हैं। हमने इसमें हल्का सा ही मॉइस्चर रहने दिया है। और अब हम इसको एक ग्रीस करी हुई प्लेट में उतार लेंगे। हमने इस तरह से प्लेट में सेट कर लिया है। और अब हम इसे इलायची पाउडर से गार्निश करेंगे और पिस्ता से। फिर इसमें कट करेंगे अभी ये हल्का गर्म है, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 15-20 मिनट्स। फ्रिज में सेट होने के लिए 15 मिनट्स के लिए रखा था। और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। इस तरह से हमने प्यारी प्यारी छेना की बर्फी बनाई है। लोग इसे खाइए और फैमिली को फ्रेंड्स को भी खिलाइए। और इसी तरह हम अगली बार फिर से मिलेंगे, एक इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के लिए लाएंगे और साथ में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन 01 को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।